इससे आगे जा ही नहीं सकते क्योंकि सड़क ही नहीं है, पहाड़ नहीं कटा हुआ है। हाई सिक्योरिटी बॉर्डर वॉर्डर एरिया आ गए, जो रेडार वाली वो लगी रहती ना टाटा स्काई जैसी प्लेट ऊपर उनके, वो लगी हुई थी। और 1 2 3 4 5 ये है शायद 5 फिंगर जहाँ इंडिया चाइना की लड़ाई हुई थी। सुंदर ब्यूटीफुल लेक के नज़ारे। लास्ट मूवी का शूट होता है जब वो शायद इधर कहीं खड़े रहते हैं और इधर से साइलेंसर। आज देखा मैंने मेरे चेहरा ना, जहाँ से देखा बहुत ज़्यादा फट गया, बहुत ज़्यादा, इधर से इधर से इधर से इधर से ऐसी जैसे वाइट वाइट स्किन नहीं निकलने लगती ऐसी हो गई है। चलो छोड़ो, ये तो ठीक करते रहेंगे हम। और आज तो लास्ट ब्लॉग में आपने देख लिया था हम कहाँ पहुँच चुके हैं, अभी दिखाता हूँ आपको कॉटेज के बाहर के नज़ारे। ये वो था अपना रूम, ये खड़ी थार, और ये खूबसूरत पैंगोंग। इस जगह को कोई भी मिस नहीं कर सकता, लेह लद्दाख आने वाला हर आदमी यहाँ ज़रूर आता है। ये सबकी ड्रीम प्लेस है, खास करके बाइकर्स की, और बाइकर्स को मैं उनको सल्यूट करना चाहूँगा जो मनाली से या दिल्ली से या कहीं से भी कई 100 किलोमीटर दूर से ना बाइकों पे यहाँ आते हैं। पैशन है यार, सबके बस की नहीं है, हर किसी के बस की नहीं है। अपने से तो 10-20 किलोमीटर में जवाब दे जाते हैं, बहुत हिम्मत चाहिए। और कई तो बाइकर्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनको स्पेशल सलूट है, जो अकेले आते हैं, सोलो ट्रैवलिंग करते हैं। ये पैंगोंग लेक बहुत दूर तक है, उधर चलते हैं, अभी देखते हैं कहाँ तक जाने देंगे, वहाँ जाएंगे आगे लास्ट तक घूम फिर के, फिर आएंगे वापस। उधर ऑफ रोडिंग की जगह बताइए उस तरफ मुझे कि ऑफ रोडिंग उस तरफ जाके कर सकते हो होटल वालों ने, तो देखेंगे उधर जाने का भी रास्ता। और अभी नाश्ता पानी करके निकलते हैं फटाफट। ये है यहाँ से ऊपर से नज़ारे पैंगोंग लेक के हाइट से, देखो तो तीन कलर का पानी हो रहा है, सफेद, हरा और व्हाइट। कैसे लेक के नज़ारे जब वंड करके जल्दी से बताओ। वो स्नो माउंटेन्स, ये रोड है जिस पे भी हम चल रहे हैं, इससे चल के जाएंगे आगे। वो 3 इडियट शूटिंग पॉइंट है, अगर आपको दिख रही होगी वो जमीन होगी, वहाँ तक जाने देंगे, उसके आगे जाने देंगे, जहाँ तक जाने देंगे वहाँ तक जाएंगे। इससे आगे जा ही नहीं सकते क्योंकि सड़क ही नहीं है, पहाड़ नहीं कटा हुआ है, यहाँ तक कच्चा रास्ता था, तो यहीं तक आए हम। यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता, तो वापस चलते हैं, रास्ता नहीं आगे। अब चलते हैं नीचे पैंगोंग साइड में कहीं, देखते हैं वहाँ के नज़ारे। तो जहाँ ये रोड ख़त्म है यहीं से रास्ता नीचे उतर रहा है, इधर से चल के देखते हैं पैंगोंग साइड में। वो पहाड़ का रास्ता ख़त्म होने के बाद ये गांव के अंदर से रास्ता है, नीचे नीचे से यहीं से पिकअप गया एक, और यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, तो ये टूरिस्ट प्लेस है अभी तक। बाकी एक होटल वाले ने बताया था कि आगे इंडिया चाइना बॉर्डर तक, मतलब जो टूरिस्ट पॉइंट बना रखा है वहाँ तक जा सकते थे। ये है डॉर्जे डेवलू गेस्ट हाउस, यहाँ पर भी गेस्ट हाउस हैं काफ़ी सारे। तो इस पॉइंट पर आ चुके हैं, यहाँ से जो है लेक है वो उस तरफ मुड़ रही है या उधर से पीछे से जा रही है पता नहीं, बट इधर नहीं है, ये रोड आगे जा रहा है, तो इससे आगे कोई टूरिस्ट पॉइंट नहीं है अभी। वो जो गाड़ी हुई है लोकल है, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा आप यहीं पे जा सकते हो लास्ट, क्यों आगे तो फिर लेक के साथ रोड है नहीं। और हम करीबन आगे होंगे जहाँ से लेक शुरू है, वहाँ से 30 से 40 किलोमीटर के बीच में आ चुके हैं, करेक्ट किलोमीटर मुझे भी याद नहीं है। नीचे कुछ गाड़ियां घूम रही हैं, चलते हैं देखते हैं क्या है क्या नहीं। अभी चलते 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 बहुत अंदर आ गए हम, और अंदर इतना आ गए कि एकदम हाई सिक्योरिटी बॉर्डर वॉर्डर एरिया आ गए, जो रेडार वाली वो लगी रहती ना टाटा स्काई जैसी प्लेट ऊपर उनके, वो लगी हुई थी। और मतलब फुल हाई सिक्योरिटी एरिया था। इधर आ गए हम गलती से क्या, हम तो होटल वाले ने बताया था कि पैंगोंग लेक पे कोई इंडिया चाइना बॉर्डर है, उधर तक लास्ट आप जा सकते हो, वो भी टूरिस्ट पॉइंट है।
अब वो या तो हमसे मिस हो गया पीछे, या तो हमने वो मिस कर दिया पीछे, या फिर हम कहीं गलत मुड़ गए, पता नहीं। रोड तो एक ही है, रोड तो कोई दूसरा है नहीं। तो यहाँ से वापस चलते हैं थोड़ा सा पीछे, जो बॉर्डर एरिया ना हो वहाँ पे जाके साइड में रील वील बनाएंगे, फोटो वोटो खींचेंगे, लेक साइड में आपको घुमाएंगे। कहते हैं अभी मैं बाहर का एरिया नहीं दिखा सकता क्योंकि ये आर्मी एरिया है। फिर गलत आ गए, ऊपर चढ़ने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा सड़क पर। ये देखो ऐसे रोड पे हम चल रहे हैं, और ये रोड सिर्फ आर्मी यूज़ करती है क्योंकि इस रोड की कंडीशन बहुत ऐसी है कि मतलब रेगुलर व्हीकल्स की वो नहीं है यहाँ पे मूवमेंट, हमारे लग तक तो कोई। तो यहाँ पे हम हैं, ये रोड जा रहा है सीधा, भी दिखाया था मैंने आपको, और ये है पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक यहाँ से यूँ टर्न हो रही है और यहाँ से सीधी आगे जा रही है, तो ये पेंगोंग लेक का लास्ट समझ सकते हैं हम इंडिया बॉर्डर के पास। बाकी उसके बाद यहाँ पे सब जगह आर्मी है, यहाँ पे हम नहीं जा सकते इस एरिया में। अभी हम इसी एरिया में गलती से चले गए थे तो वापस आ गया मैं। अब यहाँ से वापस चलते हैं हम इसी पेंगोंग लेक के सारे आगे, जो भी टूरिस्ट पॉइंट होगा लास्ट वहाँ पे, और इससे आगे शायद चाइना, वही जो इंडिया का कब्जाया हुआ है चाइना ने, वही है। और ये शायद फाइव फिंगर है, बट नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 ये है शायद फाइव फिंगर, जहाँ इंडिया चाइना की लड़ाई हुई थी। क्योंकि आप देख सकते हैं एक इंसान वो आ रहा है, एक, ठीक है, 2, 3, 4, 5 पूरी 5 फिंगर सी बनी हुई है। अब है या नहीं है वो लग तो यही रहा है, क्योंकि इसके आगे फिर अक्साई चीन है जो चाइना ने कब्जा रखा है इंडिया का हिस्सा। तो और इससे आगे लेक सीधी भी नहीं है, फिर लेक उधर है, या रोड इधर मुड़ गई है, लेक के सारे रोड नहीं है। जो भी है, अब यहाँ से हम चलते हैं वापस टूरिस्ट पॉइंट की तरफ। और वो वहाँ पे हम नीचे थे, वहाँ पे बॉर्डर एरिया में, वहाँ पे आर्मी थी, इसीलिए मैंने वहाँ पे कैमरा ऑन नहीं किया, ना ही वो एरिया दिखाया। थोड़ा ज़्यादा आगे आ गए, बाकी ये एरिया कैसा है आप यहाँ से वीडियो में देख सकते हो। पेंगोंग लेक कितनी बड़ी और सुंदर है, यहाँ पे साफ सुथरी एकदम, पीछे माउंटेन्स हैं बहुत बड़े बड़े। और यहाँ से जो रास्ता कटता है वो पेंगोंग लेक से बहुत अलग, अंदर को इस तरफ पहाड़ों में को कट रहा है सीधा, और इस पेंगोंग लेक के साथ साथ आगे रास्ता नहीं है। तो यही वो एरिया है जहाँ पे इंडिया चाइना की अभी कुछ दिन पहले हुई थी, फिंगर फाइव बोलते हैं या फिंगर पॉइंट बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं इसको। यहीं पे ही चाइना की आर्मी ने घुस के कब्जा करने की कोशिश की थी, जो हमारी ब्रेव इंडियन आर्मी ने उनको वापस भागने पे मजबूर कर दिया यहाँ से, और उनको वापस भगाया, और पहले से ज़्यादा मजबूत अब इधर आर्मी हो गई है। बाकी इधर गाड़ियाँ जा रही हैं आगे, ये टैक्सी नंबर ही जा रही हैं, जो भी जा रही है वही मैक्सिमम देखे मैंने, अभी कोई प्राइवेट कार नहीं देखी है। वो आगे कोई गांव वगैरह होंगे शायद, उनमें जा रही होगी, बॉर्डर पे जो गांव होते हैं। देख रहे वो पॉइंट, ये से आगे यही है फिंगर फाइव। तो लास्ट टू लास्ट जो आप जा सकते हो वो ये जगह, मैं आपको एक मिनट बाहर से दिखा देता हूँ। इससे आगे आप पेंगोंग के किनारे नहीं जा सकते, बॉर्डर एरिया है वो सब, उधर गए थे अपन अभी, वो सब बॉर्डर एरिया है, उधर आप नहीं जा सकते हो। इधर कुछ बाइकर्स हैं, आप देख सकते हो रील्स वगैरह बना रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। अपन चलते हैं इस साइड ताकि वो भी डिस्टर्ब ना हो, और अपन भी सेपरेट जगह पर घूम सके जहाँ पर हमारे अलावा और कोई ना हो, वो भी शायद एकांत के लिए ही इधर आए हैं, और हम उनके बीच में जाके क्या फायदा उनको। देखो कहाँ से नीचे उतारनी पड़ रही है, कोई सड़क नहीं है, कुछ नहीं है। देखो थार का यही तो फायदा है, जहाँ सड़क नहीं है ना वहाँ भी ये चली जाती है। और यहाँ पे तो लेक साइड में जो कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे एकदम से लेक डीप है। सुंदर ब्यूटीफुल लेक के नज़ारे,
यहाँ पे वो जगह हम आ गए हैं जहाँ पे हमारे अलावा और कोई नहीं है। ये हमारी गाड़ी के टायर के निशान है। देख रहे कितनी बड़ी लेक है, यहाँ से वहाँ तक कई किलोमीटर तक, 5-10 किलोमीटर तक, 20-30, बहुत लंबी है उस तरह को। अगर इस तरह से इस तरफ को जाए तो बहुत लंबी है, इस तरफ से इस तरफ बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, बट इससे उधर बहुत लंबी है समुंदर की तरह। इस GoPro 10 का वाटरप्रूफ टेस्टिंग भी कर दे क्या, बोलते हैं मतलब बता रहे हैं GoPro पे, बोलते हैं कि भाई ये कंपनी क्लेम करती है IP68 रेटिंग के साथ ये वाटरप्रूफ है, तो आज इसको डालते हैं पानी में और देखते हैं ख़राब होगा या चलता रहेगा। ठीक है, पैंगोंग लेके अंदर के नज़ारे दिखाते हैं आपको। तो चलो इसको डालते हैं पानी में, इसका करते हैं वाटरप्रूफ टेस्ट। ज़्यादा अंदर पानी में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास शूज़ हैं और शूज़ निकाल लेंगे। आगे से ये देखो, हाँ ये देखो आप देख पाओगे, और ये भी बस इससे ज़्यादा देर में पानी में नहीं रह सकता, और मुझे लग रही है बहुत तेज ठंड, जल्दी से चलते हैं अपनी गाड़ी में और सुखा के सॉक्स पहनते हैं, दूसरी शूज पहनते हैं। बहुत ठंडा पानी है, बहुत 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 ज़्यादा ठंडा पानी है। पता नहीं इसकी आवाज़ आ रही है माइक की नहीं आ रही है, बट मैं वो आपको दिखाना चाह रहा था, तो बिल्कुल डार्क ब्लू है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू पानी है, और इधर ग्रीन और ब्लू मिक्स है, और यहाँ का फाइनल लुक 2x में। इसके बाद हम यहाँ से चल रहे हैं आगे 3 डेट्स की जहाँ शूटिंग हुई थी उस पॉइंट पे, तो यहाँ से फाइनली लुक बाय बाय करते हैं इस जगह को। तो ये शायद पैंगोंग लेक का जहाँ पे 3 डेट्स शूटिंग हुई थी वो आ गया है पीछे, इधर काफ़ी अच्छे अच्छे कॉटेज हैं, दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं, ये गाड़ी लगा दी पार्किंग पे, इससे आगे ये गड्ढा खोद रखा है, इससे आगे गाड़ी कोई भी नहीं जा सकती, और क्यों नहीं जा सकती पता नहीं, क्यों अलाउड नहीं है, हो सकता है टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा जाते हो तो भीड़ हो जाती हो ज़्यादा, और भीड़ भाड़ ना हो इसी वजह से यहाँ पे लंबी चौड़ी पार्किंग है, वरना सभी किनारे पे अपनी गाड़ी लगाना चाहेंगे तो कोई भी नहीं जा पाएगा। ठीक है चलो, अब गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है, अब यहाँ से चलते पैदल उधर, यही है वो पॉइंट जहाँ पे 3 डेट्स मूवी की लास्ट का जो सीन है उसकी शूटिंग हुई थी। पैंगोंग लेक जब तक है जहाँ दोनों मूवी की शूटिंग यहाँ पे हो रखी है, और यहाँ पे देखो बहुत सारे स्कूटर खड़े हैं वो वाले जो उस मूवी में जैसा यूज़ किया गया था, येलो कलर का, और ऑल इज वेल वाले जो बैठने के स्टूल टाइप बने हुए हैं, ये चेयर टाइप ही है। अभी देखो यहाँ पे लाइन से कितने लगे हुए हैं, ये सबके पर्सनल है, शायद इनकी फ़ोटो चार्जेबल है। तो ये वो एरिया आ चुका है जहाँ पे लास्ट मूवी का शूट होता है, जब वो शायद इधर कहीं खड़े रहते हैं, और इधर से साइलेंसर जी नाम याद है मुझे उसका, और दूसरा नाम याद नहीं है, वो आता है।
ये देखो वहाँ पे कितने सारे कैंप बने हुए हैं, पता नहीं कैमरे में कितना दिख रहा है, नहीं और बहुत सारे कैंप बने हुए हैं, बहुत सारे। और जहाँ हम रुके थे वो एरिया वो है, उधर कहीं हम रुके थे। विंटर्स में ये लेक पूरी फ्रीज हो जाती है, एकदम जम जाती है पूरी, और इतनी जम जाती है कि इसके ऊपर गाड़ी वगैरह भी चलती हैं। आप यहाँ से वहाँ जा सकते हो, इतनी ज़्यादा जम जाती है विंटर्स में। और अभी भी इसमें इतना ठंडा पानी है, इतना ठंडा पानी है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, और उतना ही एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है, बहुत साफ पानी है। देखो यहाँ पे कैसे समुंदर की तरह लहरें आ रही हैं, इतनी तेज तेज। और ये वो एरिया जहाँ पे फोटो शूट कर सकते हो, आप अपने फोटो वगैरह खिंचा सकते हो स्कूटर पे, इन पे बैठने के पे मे भी ये चार्जेबल है, तभी इतने सारे लगाए वरना कोई क्यों लगाएगा। और पैंगोंग लेक को करते हैं आज बाय बाय, चलते पार्किंग की तरफ, पार्किंग से गाड़ी निकाल के देखते हैं अभी कहाँ जाएंगे, मूड का कुछ कंफर्म नहीं है। ये लेक किसी समुंदर से कम नहीं है, कितनी बड़ी है, कितनी चौड़ी है। अब आ गए हम लास्ट व्यू पॉइंट पे, ये अपने कैंप थे। जब आप लेक पे आओगे तो लेक यहीं से स्टार्ट है, तो सबसे पहले यही कैंप मिलते हैं, यहीं पे हम रुके हुए थे उसमें, कहाँ गया शायद इस वाले में रुके हुए थे हम। और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है और जगह के मुकाबले, तो इस जगह का नाम है पिक्चर पॉइंट। वेलकम टू पैंगोंग लेक। स्कूटर पर पर्सन 50 रुपीज़ विद ड्रेस, 100 रुपीज़ पर पर्सन। और बम्स पे है 40 रुपीज़ पर पर्सन, जब तक है जान बुलेट 50 रुपये पर पर्सन, 50 रुपीज़ पर पर्सन। बैरल में 30 रुपीज़ पर पर्सन, ट्रेडिशनल ड्रेस 100 रुपीज़ पर पर्सन। ये देखो यहाँ चल रही है फुल आंधी, बहुत तेज, बहुत ज़्यादा। दरवाजा अपने आप खुल रहा है और बंद नहीं हो रहा है। आज शुरू होगा हमारा वापसी का सफर। आज होगी एक समस्या, गाड़ी में डीजल बचा है सिर्फ 50 किलोमीटर का और हमें जाना है अभी करीबन 90 किलोमीटर। देखो 50 किलोमीटर का तेल बचा है और अभी हम हैं तांगसे से नेक्स्ट फ्यूल पंप है डारू कुछ करके है जगह, वहाँ पे मिलेगा। अब इधर मिल रहा है एक जगह लोकल, पता किया, मगर उधर दिक्कत है थोड़ी, वो मिट्टी का तेल मिला के बेच रहे हैं, जो मार्केट रेट है उससे भी सस्ता बेच रहे हैं।